તો મહત્વનું છે કે સાગર રાયકા ઇકઠ્ઠે થે કે પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીજીને જે તરહ પિછલે સાત વર્ષ ઇસ દેશ કે અંદર ઓર ઉસસે પહેલે લગભગ 14 વર્ષ ગુજરાત કે અંદર ગરીબો કે લીએ કામ કિયા, ગરીબો કે જીવન મે પરિવર્તન લાને કા કામ કિયા. મેરે સાથ ચર્ચા કર રહે થે સાગર ભાઈ કે દેશ કે અંદર ગુજરાત એક પહેલા પ્રદેશ થા જહાં ગરીબ કલ્યાણ મેલે લગતે. ગુજરાત એક એસા પ્રદેશ હૈ જહાં નરેન્દ્રભાઈ ને ગરીબ કે જીવન કો કિસ તરહ સિસ્ટમાઇઝ અપગ્રેડ કરના હૈ ઉસકા ઢાંચા વિકસિત કિયા ઓર જિસકે સ્તર પર આજ વો કામ જારી હૈ ઓર પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીજી કે એક બડે નેતૃત્વ કો બડે વ્યક્તિત્વ કો બડે બડે કાર્યો કો દેખકર ઓર કોંગ્રેસ પાર્ટી કી લગાતાર નલાયકી. કલ ભી ઉન્હોને કોંગ્રેસ પાર્ટી કે અધ્યક્ષ કે રૂપ મે, क्योंकि अब कांग्रेस में वहां बचा कोई नहीं, नेतृत्व विहीन, दिशाहीन, नीति विहीन गुजरात की कांग्रेस, देश की कांग्रेस की तरह वो भी हो गई है. तो इसलिए एक बड़ा चेहरा आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ है और उनके साथ हमारे विनोद चावड़ा जी, जो गुजरात प्रदेश के महामंत्री हैं और सांसद हैं, वो भी साथ में आए हैं, इनको लेकर आए हैं. मैं सागर भाई का भारतीय जनता पार्टी में स्वागत करता हूं और सागर भाई को जो तजर्बा है युवाओं में काम करने का, युवकों में काम करने का, कॉलेजेस में काम करने का, बस्तियों में काम करने का, वो पार्टी के जनाधार को और बढ़ाएगा, पार्टी की शक्ति को और बढ़ाएगा. मैं समझता हूं कि आज एक बहुत बड़ा माइलस्टोन गुजरात की राजनीति के अंदर आया है जिसमें सागर जी हमारे साथ शामिल हुए हैं. मैं उनका स्वागत करता हूं और निश्चित रूप से वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में निरंतर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी के निर्देशानुसार पार्टी को गांव गांव में, कॉलेज कॉलेज में मजबूत करेंगे, ऐसा मेरे को पूरी आशा है और मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं. मेरा विनम्र निवेदन होगा सागर रायका जी से कि माननीय सागर रायका जी संबोधित करें. आदरणीय मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के नेतागण और आप सभी मीडिया के दोस्त, मैं 46 ईयर से कांग्रेस पार्टी में काम कर रहा था. मैंने पूरे देश में कांग्रेस के लिए काम किया, मगर आज कांग्रेस में नेतृत्व की बड़ी क्राइसिस हो रही है. क्या डिसीजन लेना, कैसे करना, क्या करना, इसमें कोई ठिकाना नहीं है. संविधान में जो लिखा है पार्टी के, उसके खिलाफ काम करना और मनगढ़ंत निर्णय करना, जैसे हमारे प्रदेश में अभी अभी नए प्रदेश अध्यक्ष बनाए, तो कंसल्टेशन का सतत अभाव रहा है. हम लोग लोगों से दूर हो गए थे, इसलिए मैं अपने आप में बड़ा चिंतित था कि कैसे क्या होगा पार्टी का. जो लोगों के साथ एक चेन होनी चाहिए पार्टी की, नेताओं की, कार्यकर्ताओं की, वह अब टूट चुकी है. इसलिए कांग्रेस पार्टी में मुझे ज्यादा कोई आशा नहीं दिखती थी. और मैं जब पढ़ रहा था तब से मैं नरेंद्र भाई को जानता हूं, आदरणीय प्रधानमंत्री को. मैंने इनको साइकिल पे देखा है, स्कूटर पे देखा है, खुद जिप्सी चलाते हुए सादे वस्त्रों में लोगों के बीच में काम करते देखा है. तो मुझे लगा कि आज देश में जिस प्रकार से विकास हो रहा है और जिस प्रकार से योजनाएं हो रही है, तो उसमें मैं भी मेरा कुछ योगदान दूं. मुझे किसी ने कहा नहीं, मैं अपने आप यहां आके ज्वाइन किया है और मैं बड़ा खुश हूं, मुझे बड़ा गौरव है. आज देश के हित में और देश की एकता के लिए मैं इस पार्टी का समर्थन कर रहा हूं और पार्टी जो भी काम देगी मुझे, एक कार्यकर्ता के नाते काम करने का मुझे अपने जीवन का सौभाग्य मिलेगा,
ये मुझे विश्वास है, बस इतना ही मुझे कहना है आज। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा अनुरोध होगा विनोद चावरा जी से, जो गुजरात प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के महामंत्री हैं, माननीय विनोद जी संबोधित कर। सन्मान्य तरुण चुग जी, आदरणीय संजय जी, और आज हमारे बीच भारतीय जनता पार्टी के परिवार के सदस्य जो बन चुके हैं, ऐसे हमारे सन्मान्य सागर रायका जी, सबसे पहले मैं उनका स्वागत करता हूं। और जिस तरह उन्होंने बताया कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उनके कार्यों के प्रेरित होते हुए आज वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, आदरणीय श्री हमारे गुजरात के और देश के गृहमंत्री श्री अमित भाई शाह साहब के नेतृत्व में और राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री आदरणीय जेपी नड्डा जी के मार्गदर्शन में वो हमारे साथ काम करेंगे। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय सीआर पाटिल साहब, उनकी तरफ से भी मैं उनका स्वागत सम्मान करता हूं। धन्यवाद। આપને કહી દઈએ કે સાગરના કે જેઓ કોંગ્રેસ છોડીને હવે ભાજપમાં જોડાયા છે, તેમણે કહ્યું કે દેશમાં નરેન્દ્ર મોદીના નેતૃત્વમાં વિકાસ થઈ રહ્યો છે, સાથે તેઓ નરેન્દ્ર મોદીથી પ્રભાવિત હોવાની વાત પણ તેમણે કરી। પાર્ટી જે જવાબદારી આપશે તેનો સ્વીકાર કરશે તેવું પણ જણાવ્યું।